हेलो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। काफ़ी अर्सा हो गया यार मैंने व्लॉग नहीं बनाया फॉर माई स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। तो आज सोचा एक छोटा सा मुख्तसर सा ट्रैवल अपडेट व्लॉग बनाया जाए। सो बेसिकली बी टॉकिंग अबाउट द प्लान्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल इन द ईयर 2021। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत वेग अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट दैट मीन्स फॉर यू बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। So without further ado, let's get started. All right. So, just last week, I think government ki taraf se ek announcement aayi ke Australia mein they can potentially look at international travel from June 2021. Matlab ke पहले जो इससे आपको स्ट्रेट अप मिलती है न्यूज़ वो ये है कि भाई अगले 6 महीने तक तो कोई इंटरनेशनल ट्रैवल का सीन नहीं बन रहा ऑस्ट्रेलिया में। सेकेंडली इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ रे ऑफ होप कि यार चलो अगर पहले 6 महीने नहीं तो मे बी जून के बाद से हम जो है बाहर अगर बैठे हैं किसी मुल्क में, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो वहाँ से हम ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं पढ़ाई के लिए। नाउ अब इस न्यूज़ के साथ साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड है ना, वो बोलते हैं जैसे स्ट्रिंग अटैच्ड न्यूज़ है कि इट्स ऑल आई गेस ये सब उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम जो है वो कितना सक्सेसफुल होता है। सो अपेरेंटली इन ऑस्ट्रेलिया दे आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग टू रोल आउट वैक्सीनेशन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसे इंटरनेशनल प्लान यू नो अप्लाई हो कि दूसरे दुनिया में दूसरे मुल्कों में भी जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है उनको एक सर्टिफिकेट मिले और वो सर्टिफिकेट दिखा के उसकी बेसिस पे वो ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं आफ्टर June 2021। लेकिन नाउ हाउ डज दिस न्यूज अफेक्ट यू पीपल, आई एम टॉकिंग टू पीपल हु आर सिटिंग इन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज जहाँ से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इन्फ्लक्स होती है ऑस्ट्रेलिया में। अब इन मुबालकों में कुछ मुल्कों में आई थिंक सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है इस वक्त, इन दी अदर्स इट्स स्टिल इट्स अ बिट बेटर, लेकिन सिचुएशन ये क्या देखो अभी अगले 6 महीने में जहाँ तक मुझे लगता है कि सारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यू नो अलॉट ऑफ दीज यूरोपियन नेशंस पहले यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है वो रेडिली रोल आउट होना शुरू होंगी। मतलब कि वो कोशिश करेंगे, ये नेशंस कोशिश करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है, ये चाहेंगे यार कि हम पहले इतनी वैक्सीन खरीद लें कि हम अपनी आवाम को सबको वैक्सीन शॉट दे दें COVID-19 का, एंड दैट लीव्स बिहाइंड ऑल द सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज कि वो वैक्सीन की मुँह मांगी कीमत अदा कर सके। सो लुक्स लाइक दैट कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो है वैक्सीन मे बी हो सकता है कि अगले पूरे साल तक अवेलेबल ही ना हो। वट दैट मीन्स इज बेसिकली अगर आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते अपनी कंट्री में तो एसेंशली यू कैन नॉट ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट दैट सर्टिफिकेट। नाउ दिस पोसेस अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू पीपल हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर स्टूडेंट वीज़ा ऑफशोर। मुझे तो ये सिचुएशन लगती है कि यार पता नहीं वीज़ा इस साल में तो शायद ग्रांट ना हो। अगेन आई कुड बी रॉन्ग बिकॉज COVID-19 का लैंडस्केप ऐसा है कि न्यूज़ बहुत जल्दी चेंज होती है और क्योंकि लैंडस्केप में इतनी तब्दीलियाँ आती हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में भी अपडेट्स आती रहती हैं। सो आई एम रियली आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि यार यू नो नेक्स्ट 3-4 months में I really hope that we could get back to some form of normality, but मुझे लग रहा है कि ऐसा शायद possible नहीं हो, ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जो कोविड को लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी न्यू साउथ वेल्स जो स्टेट है वहाँ पर तकरीबन 150 cases हैं और अभी से ही बिल्कुल वो स्टेट जो है इट्स ऑलमोस्ट यू नो इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं मास्क पे और यू नो देर ब्रिंगिंग बैक रिस्ट्रिक्शन, और बाकी मुल्कों में तो 150 cases जैसे कुछ भी नहीं है, बस वहाँ तो हज़ारों में लाखों में इवन केसेस अब मौजूद हैं। सो इस वजह से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन दे अलाउ पीपल फ्रॉम ओवरसीज टू कम इन, बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट 6 months तक एटलीस्ट 6 to 8 months तक whoever आप लोग जो भी ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे पढ़ने के लिए आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी या फेवरेबल नहीं लगेगी।
So that's the quick update. I will end this vlog here. Again, if you find this information informative for you, agar aapko ye is information se value milti hai, so please do hit the like button and subscribe to my channel. Main is tarah ki information jo hai vlogs ki form mein post karta rahunga regularly. I'll see you in the next video. Apna khayal rakhiyega. Please be safe. COVID is real and Allah Hafiz.